हेलो फ्रेंड्स, फैकल्टी गणेश सुनील। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क मतलब सैन के कंसेप्ट को डिस्कस और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। देखिए, स्टोरेज एरिया कंसेप्ट या फिर कह सकते हैं सैन, ये किस तरह का कंसेप्ट था जहाँ पे आप अपना डेटाबेस एक सेंटर सर्वर पे रखते हो और वो डेटा आपके नेटवर्क में कोई भी होस्ट एक्सेस कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या हो गया, अगर मान लो आपका मेन होस्ट डाउन हो रहा है तो आपका डेटा कभी लॉस नहीं होगा, या यूँ कह सकते हैं कि आपके जो क्लाइंट है वो आपके क्लाइंट उस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। ओके, ज़्यादातर कंपनी के अंदर इस सिनेरियो को परफॉर्म किया जाता है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक सिनेरियो बना के रखा है। सिनेरियो कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे मेरे पास एक सर्वर है। ओके, जो सर्वर कॉन्फिगर है या नाम है उसका classroom.example.com, जिसका IP होगा 172.25.254.254। ये बनने वाला है मेरा सर्वर। हालांकि आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले वो iSCSI से ओरिएंटेड है। SCSI हार्डवेयर या SCSI डिस्क स्पेशली सर्वर साइड पे यूज़ की जाती है, लेकिन SCSI डिस्क का डायरेक्ट यूज़ करने में दिक्कत ये है कि SCSI हार्डवेयर महंगे रहते हैं, साथ ही साथ आपको SCSI कंट्रोल वाले एक्स्ट्रा कार्ड परचेस करने पड़ते हैं। टेक्नीशियंस ने या फिर टेक्नोलॉजी ने एक कंसेप्ट निकाला है iSCSI। iSCSI का मतलब है IP over SCSI, मतलब आप अपने किसी भी नॉर्मल हार्ड डिस्क को IP के थ्रू अराउंड द नेटवर्क किसी भी क्लाइंट मशीन पे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लो आपके पास एक अच्छा खासा सर्वर है जिसके ऊपर आपने काफ़ी लार्जर स्टोरेज कनेक्ट किया है, लेकिन वो सब हार्ड डिस्क आपके नॉर्मल हार्ड डिस्क है, मतलब कह सकते हैं आपकी साटा है, पाटा है, या फिर आपके नए डिस्क SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव है, आपके पास SCSI हार्ड डिस्क नहीं, लेकिन फिर भी आप उन हार्ड डिस्क को अपने क्लाइंट साइड को असाइन कर सकते हो, और उस कंसेप्ट का नाम है iSCSI, जो कि IP over SCSI है। IP over SCSI परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले उसका पोर्ट नंबर ध्यान में होना ज़रूरी है। जब iSCSI प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करते हो तो उसका पोर्ट नंबर 3260/TCP काम करता है, साथ ही साथ ये आपके नेटवर्क का रिवर्स एड्रेस परफॉर्म करता है। अब नेटवर्क का रिवर्स एड्रेस मतलब क्या, मान लो मैं जिस नेटवर्क पे प्रैक्टिकल करने वाला हूँ वो है 172.25.254.0/24, मतलब यहाँ पे शुरू के तीन जो नेटवर्क ब्लीट है ना, या तीन जो ब्लॉक है वो नेटवर्क की तरह डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं रिवर्स करूँ, रिवर्स क्या रहेगा, 254.25.172, मतलब शुरू के तीन बीट को मैंने रिवर्स कर दिया, माफ कीजिए, शुरू के तीन ब्लॉक को मैंने रिवर्स कर दिया। तो ये है आपका रिवर्स नेटवर्क आईडी। अगर डोमेन कंट्रोलर बराबर से कॉन्फिगर होगा तो आपको डोमेन का नाम उल्टा करना है, मतलब कि example.com ये मेरा डोमेन का नाम है तो .com example ये उसका रिवर्स नाम रहने वाला है। ओके, सुनो, अब जिस प्रैक्टिकल को मैं परफॉर्म करने वाला हूँ उस प्रैक्टिकल में कुछ टर्म्स आने वाले हैं, उन टर्म्स के बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी है। नंबर वन, classroom.example.com ये मेरा सर्वर बनने वाला है। इसी सर्वर को iSCSI के पैटर्न में हम टारगेट के नाम से जानते हैं, सो टारगेट इज नथिंग बट योर सर्वर साइड, और इसी सर्वर पे आपको एक एक्सेस पोर्टल बनाया जाता है। एक्सेस पोर्टल इज नथिंग बट IP उस सर्वर का। सो टारगेट पोर्टल या कहेंगे सर्वर इज योर IP ऑफ योर iSCSI सर्वर, जबकि जिस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को क्लाइंट एक्सेस करेंगे ना उसे हम इनिशिएटर कहते हैं। सो इनिशिएटर इज नथिंग बट अ क्लाइंट साइड, सो सर्वर को हम टारगेट कहेंगे और क्लाइंट को हम इनिशिएटर कहेंगे। सो एक्सेस पोर्टल क्या है, एक्सेस पोर्टल उस सर्वर का IP है जहाँ पे क्लाइंट लॉग इन करके एक्सेस करने वाले है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका पोर्ट नंबर 3260/TCP पे काम करता है, और आपको यहाँ पे रिवर्स डोमेन नेम या फिर रिवर्स नेटवर्क आईडी यूज करना है। ओके, अब फाइनल सिनेरियो कुछ इस हिसाब से होने वाला है। अगर ये सेटअप प्रॉपरली कॉन्फिगर हो जाए तो जब क्लाइंट डिमांड करेगा किसी हार्ड डिस्क के बारे में तो सर्वर से वो हार्ड डिस्क उस पर्टिकुलर क्लाइंट को फॉलो की जाएगी, जहाँ पे वो यूज़र उस हार्ड डिस्क को लोकली यूज़ कर पाएगा, जबकि एक्चुअल में डेटा जो स्टोर होने वाला है ना वो उसी सर्वर पे स्टोर होगा जहाँ से उसे वो हार्ड डिस्क मिली है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर क्लाइंट साइड डाउन हो गया तो फिर भी डेटा इज एक्सेसिबल। साथ ही साथ ये इतना फ्लेक्सिबल करके दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ लिनक्स के साथ ही नहीं विंडोज़ को भी अपने iSCSI हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर सकते हो।
तो आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर मैं विंडोज़ को भी iSCSI हार्ड डिस्क अटैच करना दिखाऊंगा और साथ ही साथ लिनक्स या फिर यूनिक्स मशीन पे भी iSCSI हार्ड डिस्क अटैच करना हम देखेंगे। तो ये था थियोरेटिकल क्वेश्चन अबाउट योर iSCSI कंसेप्ट। iSCSI इज नथिंग बट IP और SCSI। पोर्ट नंबर याद रखिए, रिवर्स डोमेन यूज़ करता है, और यहाँ पे टारगेट मतलब सर्वर साइड, इनिशिएटर मतलब क्लाइंट साइड। और वन मोर थिंग, ये जो यूज़ करेगा ना वो आपका IQN नेम यूज़ करता है। सो IQN नेम इज़ नथिंग बट iSCSI क्वालिफाइड नेम। जैसे कि आपका FQDN होता है ना, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे IQN नाम का कंसेप्ट यूज़ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं इसी सिनेरियो के ऊपर। तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।